नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा, आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नजर। गर्ल्स कॉलेज में कार्यक्रम, एनसीसी की छात्राओं ने की सफाई। हत्या के आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर, श्रवण क्षेत्र का मामला। जिला पंचायत अध्यक्ष के घर से 8 सांप के बच्चे पकड़े, अनिल भार्गव ने पकड़े घोड़ा पछाड़। लाडली लक्ष्मी योजना के बांटे प्रमाण पत्र, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यक्रम। सरपंच संघ विदिशा ब्लॉक का कार्यक्रम, आगामी रणनीति पर बनाई चर्चा। समाचार विस्तार। गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी की छात्राओं ने पुनीत सागर अभियान के तहत नीमताल और माधव उद्यान में पहुंचकर सफाई अभियान करते हुए श्रमदान किया। इस मौके पर छात्राएं और गर्ल्स कॉलेज का स्टाफ मौजूद था। आप लोग चले जाओ ना, आप लोग ये नदी के साइड में ले जाओ ना, इस तरफ से गाड़ी का लेके क्या मतलब है? मेन आना चाहिए तालाब, आप करा दीजिए तालाब, तालाब आप करा दीजिए। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऐसे ही खड़े ना, ठीक। आप ही चलिए, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज से हूँ। 14 MP बटालियन एनसीसी इकाई द्वारा हमारे बच्चों को लेकर मैं पुनीत सागर अभियान के तहत माधव उद्यान में ये नदी और ये जो तालाब बना हुआ यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर हम बच्चों को लाकर पॉलीथीन, अदर कचरे को हटाना, जल स्रोतों को सुरक्षित रखना, जल ही जीवन है, इस सब की समझाइश दी। हमारे कुछ कर्मचारियों द्वारा भी इसकी समझाइश हमारे एनसीसी कैडेट को दी गई। हमारे एनसीसी कैडेट द्वारा यहाँ आसपास जो गंदगी थी उसको साफ किया गया। जल के महत्व को और प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखना है, उसके लिए प्रतिज्ञा ली गई। हम किसी भी कीमत में पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और जल स्रोतों को गंदा नहीं करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल सुरक्षित छोड़कर जाएंगे, ये प्रतिज्ञा ली गई। धन्यवाद। जिले के श्रवण क्षेत्र के मोहनखेड़ी गांव में किशोर की हत्या करने वाले आरोपी के मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। इस मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने सीएम के पुत्र कार्तिकेय चौहान पहुंचे थे और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।
जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी के निवास पर सांप के 8 बच्चे काकपुर निवासी अनिल भार्गव ने पकड़े हैं। घोड़ा पछाड़ सांप के बच्चों को डिब्बों में बंद कर अनिल भार्गव द्वारा जंगल में छोड़ा गया। मुश्किल सर, एक एक महीने के बच्चे नहीं बोले भगे ये लोग क्या पंडित जी, ये कहीं जा रहा है क्या अलग है? एक दो बच्चों के ऊपर कांच लिए, बाकी एक मेरा काम तो खींचने गए हो भाई जाओ आप मेडल भाई जाओ, बहुत देर में निपटे थे कल आप वहाँ से परेशान कर दिया हमने, मतलब अरे सुनो हमने सकते थे सही स्कीम बताई पंडित जी, चला आया बता आप फाइट कर लो तुम। श्रीमती जी को दिखा कि सांप की थोड़ी पूंछ दिखी, तो उन्होंने कहा सांप है, तो मैंने फ़ोन करा एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने भिजवाया, बहुत सारे बच्चे निकले हैं। कितने होंगे लगभग? तो ये लगभग 6 तो बता ही रहे हैं, अलग अलग 8 हो गए। ये बच्चे कहाँ विचरण कर रहे थे? कुछ अंदर थे, कुछ लान में मिले, अलग अलग जगह पाए गए। किसने पकड़े इनको? ये भार्गव जी हैं काकपुर वाले, पहले वो आए थे रोज भाई, तो उनको तो नहीं मिला, मगर इन्होंने पकड़ लिए, काफ़ी बड़ी अच्छी बात है। अब पूरी सफाई करवाते हैं, देखते हैं। मेरा नाम अनिल भार्गव है और जी सब घोड़ा पचार सांप के बच्चे हैं, बाकी इनमें जहर नहीं पाया जाता। कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। कहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं? ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मुकेश जी रघुवंशी, इनके मकान में से पकड़े हुए। तो आप ये कब से पकड़ रहे हैं आप? जी मैं 2017 से नगर पालिका में हूँ, बाकी पकड़ काफ़ी साल से रहा। लेकिन आपको पहली बार देख रहे हैं हम? नहीं जी, आपने पहली बार ही मेरा इंटरव्यू लिया है, ऐसा भी तो है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष जी की ओर से आए प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन जी, जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी जी तथा समस्त जनप्रतिनिधिगण, जिले के आदरणीय कलेक्टर सर, और जिनको ये कार्यक्रम में आज वितरण होना है, सभी हितग्राही, मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा समस्त बंधु और भगिनियों, आज का ये कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा है, उसी कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत हितग्राही मूलक योजनाओं में सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित। मैं सुबह सुबह कहाँ गया था? अरे भगवान, मैं गया था हिमालय करने के लिए। अरे बच्चों का पालन पोषण करना है कि नहीं? अरे तुम्हें यही बात तो मैं बोलने वाली थी।
कलेक्टर महोदय जिनके कार्य क्षेत्र में इतना बढ़िया काम हो रहा है, साथ में हमारे जिला पंचायत के सीओ साहब भरसठ जी, हमारे कर रही हूँ कि हमारे जनपद अध्यक्ष महोदय सम्मानित श्री वीर सिंह जी का पुष्पहार के द्वारा स्वागत करेंगे। साथ ही श्री संजय सिंह जी से सीडीपीओ महोदय से अनुरोध है कि मंच पर आए। हमारे साथी श्री रजय जैन जी से अनुरोध है कि मंच पर आए। हमारे सांसद प्रतिनिधि सम्मानित श्री राकेश शर्मा जी का पुष्पहार के द्वारा स्वागत करेंगे। ब्रजेश जैन जी से अनुरोध है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मैरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी अंजलि राजपूत, कुमारी खुशी शर्मा मानसरोवर एकेडमी कॉमर्स ग्रुप में आपने डिस्ट्रिक्ट मैरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी खुशी शर्मा, और स्नेहा रघुवंशी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज बसोदा, कुमारी स्नेहा रघुवंशी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आपने ह्यूमैनिटीज ग्रुप में हायर सेकेंडरी में डिस्ट्रिक्ट मैरिट में प्रथम स्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस आवेदन योजना को मूर्त रूप में देख रहे हैं। पहले आज से 20 साल पहले हम देखते थे कठपुतलियों का डांस ज़्यादा होता था, आज मुख्यमंत्री जी की अच्छी योजना के कारण वास्तव में हमें लड़कियों का या बच्चियों का इतना ज़्यादा वो देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण आज महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में बढ़ती जा रही है। महिलाएँ जब सक्षम होंगी तो स्वाभाविक है हमारा देश आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम जो है सेवा पखवाड़ा, जो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा है उसके तहत ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग की ओर से है। यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर महिला बाल विकास भी आई हुई हैं, सांसद प्रतिनिधि जी भी हैं, यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि जी भी हैं, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। जो विभिन्न योजनाएँ उसमें जो हितग्राही हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, मातृ जयप्रणाम, इसके तहत जो लाभार्थी उनको हमने लाभान्वित किया है। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, बच्चों का वजन किया गया, और बहुत सारे जो विभिन्न प्रोग्राम हैं जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, कठपुतली डांस, कुछ कुछ नुक्कड़ नाटक, ये यहाँ पर किए गए हैं। और आज देखें सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को यहाँ पर प्रमाण पत्र और जो लाभ वितरण है वो उसका कार्य किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में कोरोना महामारी से निपटने के लिए चलाई जा रही वैक्सीनेशन अभियान के तहत पुरानी जिला अस्पताल में शिविर लगाकर बूस्टर डोज लगाए गए। सीएम जनसेवा अभियान के तहत यह शिविर आयोजित किया गया था। पूरे जिले में मान्य विधानसभा में आज पुरानी अस्पताल में ये कार्यक्रम किया है। इसी इस कार्यक्रम में उपस्थित आज हम सबके मार्गदर्शन थोड़ा दूर कर लो, थोड़ा आयोजन किया गया है। क्या है पूरा मामला, कितनी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, कौन सी लगाई
आज जो है सेवा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। उसमें कोविड वैक्सीनेशन का जो सत्र पुराने जिला चिकित्सालय में लगाया जा रहा है, जिसमें कि तीसरा डोज जिसको प्रिकॉशन डोज ही बोलते हैं वो लगाया जा रहा है, जिससे कि आगे यदि बीमारी का प्रकोप होता है तो उससे बचाव हो सकेगा, इसके लिए लगाया जा रहा है। अभी तक हमारे ज़िले में करीब 23,50,000 डोज लग चुके हैं, इसमें कि 12.5 लाख फर्स्ट डोज, 11.5 लाख सेकेंड डोज और 1.5 लाख करीब प्रिकॉशन डोज लग चुके हैं। आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया? 17 तारीख से 31 तारीख तक माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा के कार्य करके संगठन और सरकार दोनों मना रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा बूस्टर डोज निःशुल्क हमारे शहरवासियों को लगाए जा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जो अद्भुत कार्य किया है कोरोना के समय, 130 करोड़ के देश के बारे में जब कोरोना को लेकर विचार होता था, पूरी दुनिया ये कहती थी कि अगर कोरोना वहाँ पहुँच गया तो दुनिया में सर्वाधिक अगर नुकसान होगा तो भारत देश में होगा, मगर माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के चलते हुए उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों से ही ये जो कोरोना वैक्सीन उन्होंने बनवाई और न केवल हमारे देशवासियों को बचाया बल्कि दुनिया के अनेक देशों को वैक्सीन भेजकर मानव जीवन को बचाने का पुनित कार्य माननीय मोदी जी ने किया है। हम सब उनके दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और ऐसे ही पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाते रहें, हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के सत्र में यही मंगल कामना है। विदिशा ब्लॉक सरपंच संघ की बैठक राजपूत धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में बताया कि सरपंच सचिव और जीआरएस को होने वाली परेशानियों से शासन को अवगत कराया जाएगा और समय समय पर समस्याओं को हल कराने का प्रयास किया जाएगा। हम हाथ में लगाएंगे तो दे जाएंगे। और हमें नीलम राजपूत जी से भी देवी सिंह जी रघुवंशी कोटीचार कला से मैं जितेंद्र राजपूत जी ब्लॉक अध्यक्ष का स्वागत करें। कमल सिंह जी मैडम भी ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत जी का स्वागत करें। और यहाँ पर जो भी सरपंच उपस्थित है सब जो है ब्लॉक अध्यक्ष जी का स्वागत। उधर यहीं उधर उधर इसके बाद मैं लड़की मोहन भाई से निवेदन करूंगा कि मैं भी जो है और व्यापार के माध्यम से जो विसंगतियां हैं वो दूर करने की हमने मांग रखी है और उस समय के पश्चात अगर इसके बाद मैं मनोज सोलंकी जी से आग्रह करूंगा कि मैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है, सरपंच मेरी पत्नी है, सरपंच प्रतिनिधि। अभी एक कार्यक्रम के दौरान आपने बताया था कि सचिवों को अभी भी ऐसा लगता है कि पुराने सरपंच ही उनके पुराने सरपंच हैं, ये आपने बात सार्वजनिक रूप से रखी, क्या कहना है? नहीं, ये मैं अलग अलग कई सरपंचों से मिलता रहता हूँ तो उनकी एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी यही बनी हुई है कि जो पुराने सरपंच हैं और वर्तमान में जो सचिव हैं उन पंचायतों में तो अभी भी उनको ही तवज्जो दी जा रही है, नव निर्वाचित सरपंचों को अनदेखा किया जा रहा है, ना तो उनकी कोई बात सुनी जा रही है ना तो उनको ये अपनी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि या तो उन सचिवों से कि वो नव निर्वाचित सरपंच को तवज्जो दें या फिर अगर नहीं पटती है तो आप अपना स्थानांतरण कराएँ। इससे क्या होता है कि अगर ये सरपंच और सचिव एक साथ नहीं चलेंगे तो पंचायत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था, आगे क्या रणनीति है? भैया मेरा नाम रणजीत सिंह रघुवंशी है,
मैं आज की तारीख में मध्य प्रदेश से पंचायत सदस्य संघ का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ और एवं जिला अध्यक्ष हूँ, क्योंकि आज हमारे सरपंच संघ की जो पार्टी का गठन किया गया है, गठन तो पहले भी हो गया था, आज पूरी नॉमिनेट हो गया है। इसमें जो हमारी ग्राम पंचायत स्तर की समस्याएं होती हैं इनको हल करने के लिए हमारी सरपंच बॉडी गठन किया गया है। ग्राम स्तर पर छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जिनकी हम लोग परेशान रहते थे, आप हमारे जो 92 ग्राम पंचायतें हैं हमारी ग्राम सरपंच पंचायत की, उनका और जिले की 570 पंचायतों का नेतृत्व करने वाले हमें मुखिया बन चुके हैं, उनके नेतृत्व में उनके उसके आदेश में हम लोगों को लिए ग्राम पंचायत जो निर्माण कार्य है कोई भी चीज़ करने में कठिनाई आती थी उसको हमें निजात मिलेगी, क्योंकि अभी तक मांग करने में हम ही लोग सचिव ही लोग चिल्लाते थे, लेकिन हमारी मांग क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी होने के नाते हमारी मांग पर कब महत्व दिया जाता था। आज हमारे जनप्रतिनिधियों के गोविंद सिंह राजपूत यहाँ पर ब्लॉक पंचायत सरपंच संघ का कार्यक्रम था जिसमें सारे सरपंचगण उपस्थित हुए और सहभोज के साथ कार्यक्रम था, जो नवनियुक्त हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजपूत जी हैं उनकी ओर से सारे सरपंचों ने ये कार्यक्रम रखा था सहभोज के साथ। क्या प्रक्रिया होगी इस संगठन के बाद, क्या महत्वपूर्ण विषय इसमें रखे गए हैं? इसमें जो पंचायतों में आज कार्य करने के लिए जो समस्याएं आ रही हैं सरपंचों को, ये सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ के रेट जो सीसी के रेट हैं वो पीडब्ल्यूडी आरईएस में बहुत ज़्यादा हैं और पंचायत में बहुत कम हैं, जो पुराने रेट ही चले आ रहे हैं। तो हमारा ये ऐसा कहना है कि पंचायत को भी पीडब्ल्यूडी के मान से रेट दिए जाएँ जिससे कार्य गुणवत्तापूर्ण किया जा सके। आगामी नवरात्र व अन्य त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में त्योहारों को आपसी सद्भाव से मनाने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मई न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त, आप देखते रहिए मयूर न्यूज। नमस्कार।